नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एक्सेल वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग विद एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज हम एक वीवीएम में फंक्शंस क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि रिपीटेड वैल्यू को काउंट के साथ शो करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिपीटेड वैल्यू को, सारे वैल्यू को कैसे वी लुकअप शो करेगा। आज हम इसमें विथ काउंट उसी चीज को काउंट के साथ भी ला रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन एंड अपडेट आपको मिलता रहे, आपको मेरी वीडियो को ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी सवाल मिस्टर रजनीकांत का है, मिस्टर रजनीकांत का तीसरा सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं वीडियो के थ्रू। तो डेटा मेरे पास ये है जिसमें कई सारे यहाँ नेम है और कई सारे प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को उसने परचेज किया है इस एमआरपी के साथ। तो मिस्टर रजनीकांत चाहते थे कि उनको पूजा ने जितने प्रोडक्ट परचेज किए हैं वो कॉमा के साथ आ जाए, जैसे डीवीडी परचेज किया है पूजा ने और एचडीबी परचेज किया है, इस तरह से कॉमा कॉमा करके आ जाए, और रैम भी परचेज किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इन्होंने पूजा ने डीवीडी को कई बार परचेज किया है, तो यहाँ पे क्या है कि उनको चाहिए कि यहाँ पे कॉमा थ्री हो जाए, तीन बार परचेज किया है थ्री आ जाए, चार बार परचेज चार आ जाए, वित्त चाहिए। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं अपने वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की स्किल से और फंक्शंस क्रिएट करते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहां पे फॉर्मूला फंक्शंस, और मैंने बोल दिया वीएलसी वीएल अंडर सी और एन एज ए हमने बोला वेरिएंट, वेरिएंट कॉमा आर एज ए रेंज, मतलब कि मैं यहां पे जब फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर्मूला वी एल अंडर स्कोर सी, हमने पूजा को सिलेक्ट कर लिया जो कि एन पे चला जाएगा, और हमने यहां से अपना रेंज भी सिलेक्ट कर लिया। आगे अब यहां पे हमें एक वेरिएबल लेना है कि टिम सी एज ए न्यू कलेक्शन, क्योंकि हमें रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए इसलिए, और फिर डिम यहां पे डिम के एज ए रेंज लेना है कि फोर एच के इन आर, और फिर इफ k डॉट वैल्यू इज इक्वल टू n, देन हमें क्या करना है c डॉट एड, इसको ऐड करना है यहां पे, पहले तो निकालते हैं, के डॉट वैल कॉमा सी एस टी आर के डॉट वैल, और फिर यहां पे एंड एफ और फिर नेक्स्ट आर नेक्स्ट केस सॉरी। तो सारे वैल्यू हमें जो भी वैल्यू पूजा का है वो हमारा सी पे स्टोर हो गया है।
अब इसमें करते हैं कि फोर, यहाँ पे फोर इच आइटम इन सी, और m इक्वल टू m के साथ हमने कॉनकेटेनेट किया, आइटम कॉमा लगा के, तो इससे अभी काउंट नहीं निकला है। नहीं यहां पे फिलहाल है नहीं, क्योंकि इसने वैल्यू निकाल दिया सिर्फ, बट इसमें हमें ये पता करना है हाँ कि कितना टाइम्स रिपीट है। तो मुझे फिर एक बार और इसमें फोर इच चलाना पड़ेगा कि फोर इच के इन आर, और यहां पे करना है कि इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आइटम देन एम काउंट है ना, काउंट के लिए हम दे देते हैं टी इक्वल टू टी प्लस वन, और यहां पे एंड इफ, और फिर यहां पे नेक्स्ट के, उसके बाद हमें क्या करना है कि एम इक्वल टू एम के साथ कंबाइन करना है कॉमा, किसको आइटम को, और उसके साथ कंबाइन करना उसका काउंट जो कि टी पर है डैश लगा के टी, फिर टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और फिर यहां पे हमारा हो जाएगा नेक्स्ट आइटम। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं फिर आपको समझाता हूं, और फिर मैं लिखता हूं वी एल अंडर स्कोर सी इक्वल टू हमने कर दिया एम। अब मैं यहां पे इसको रन करता हूं, वैल्यू आया। अच्छा के डॉट वैल्यू नहीं हुआ, के डॉट ऑफसेट डॉट वैल्यू होगा, ऑफसेट वन कॉमा 0.1 0.1 और यहां भी सेम डॉट वैल्यू। एरर क्यों आ रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए। तो इसमें एरर जो आ रहा था क्या था कि जो यहां पे जो हमारा न्यू कलेक्शन है वो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, और यहां पे एक वैल्यू क्योंकि डीवीडी कई बार परचेज किया था कई बार आ रहा था इसलिए एरर दे रहा था, तो यहां पे ऊपर हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगा दिया। अब देखिए हमारे सामने फॉर्मूला परफॉर्म कर रहा है कि वीएलसी हमने पूजा को सिलेक्ट किया और हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और एंटर मारा, तो
तो इसकी अगली सेल वैल्यू यहाँ पे देखिए, डीवीडी 155 बार है, एचडी 155 है और टीएफटी 155 ही है सारा। मान लीजिए कि पूजा आपका यहाँ पे रैम है, तो मैं रैम को भी डीवीडी कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए काउंट जो है चेंज हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, 56 हो गया। तो अब इस माइक्रो को समझिए क्या कर रहा है। तो हमने फंक्शन बनाया कि n एज ए वेरियंट और r एज ए रेंज। वेरियंट इसलिए लिया ताकि पूजा को स्टोर कर सके, और रेंज हमने इसलिए लिया ताकि हमारा इस डेटा को लोड कर सके। उसके बाद मैंने k एज ए रेंज और m एज ए स्ट्रिंग बनाया, m रिजल्ट के लिए, k फॉर ईच लगाने के लिए। यहां लिखा फॉर ईच k इन r, इफ के डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, मतलब कि अगर ए वैल्यू बराबर है जो फॉर्मूला लग रहा है एन मतलब ए इस पूजा के, तो क्या करे उसकी वैल्यू को ऐड करे किसमें, न्यू कलेक्शन में। जैसे कि बताया कि न्यू कलेक्शन का काम क्या है, न्यू कलेक्शन का काम है कि अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करना, लेकिन डुप्लीकेट को नहीं, ओनली फॉर यूनिक को। तो रिपीटेड वैल्यू को नहीं लेता, यूनिक वैल्यू को लेता है। डिले का फॉर्म क्या है, तो ऑफसेट कॉमा वन, मतलब कि इसकी अगली वैल्यू चाहिए। जैसे आपके कॉलम बढ़ता है तो आप वहां पे वन के जगह पे अपने नंबर्स को दीजिएगा, उतना कॉलम आपका बढ़ जाएगा। और एक फॉर्म में आता है तो हमने यहाँ पे सी एस टी आर लगा दिया, मतलब कि चेन स्ट्रिंग में करके इसको ले। तो जितने भी वैल्यू मैच कर रहा है प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट को स्टोर कर देगा। मतलब कि एक कॉमा, ये जो नंबर डैश 56 है, इसके अलावा सारा प्रोडक्ट यहाँ शो कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि सामने इसका काउंट भी देना मुझे, तो मुझे ये पता चल गया कि पूजा कितने प्रोडक्ट को परचेज किया, उसकी एक यूनिक लिस्ट पता चल गया। अब बट यहाँ पे नेक्स्ट पता क्या करना है, नेक्स्ट पता करना है कि वो किस तरह से कितने कितने बार आया हुआ है। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे लगाया फोर इच आइटम इन द सी, और फिर वापस सेम लूप लगाया और मैच किया कि अगर जितना बार मैच कर रहा है उतना बार टी के ऊपर एक वैल्यू असाइन कर दे। मतलब कि जो इसमें सी के अंदर में जितने भी नंबर है उसको एक एक करके हम काउंट करा रहे हैं, और जहां जहां उसको इक्वल हो रहा है वहां वहां वो टी पे एक वैल्यू असाइन कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंबाइन करते जा रहे हैं और टी को जीरो कर दिया, ताकि फिर वो अगली आइटम को, मतलब अगली प्रोडक्ट को भी सेम इसी प्रोसीजर से फॉलो करें, और लास्ट में हमने ये लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको फॉलो किए। इसको एक बार अपने हिसाब से रिपीट करके, अपना हिसाब से करके देखिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और अगर आपको हमारी ट्रेनिंग चाहिए तो iptindia.com पर जाके अपना डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के 2-3 क्लास डेमो लीजिए। हम वीवीएम माइक्रो की कंप्लीट कोडिंग आपको सिखाएंगे A to Z। हमारे डीवीडी परचेज करते हैं, कर सकते हैं आप भी, वेबसाइट iptindia.com पर जाइए, वहाँ सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, या फिर मुझे कॉल कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।